नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका आज के इस फालतू के रोमांचक मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, आज का ये मैच बढ़ाएगा आप सबके दिलों की धड़कन, क्योंकि हारने वाला खिलाड़ी धोएगा घर के सारे झूठे बर्तन। एक तरफ है हमारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी माननीय रमाशंकर जी वर्मा और दूसरी तरफ है उन्हीं की सुपुत्री युवा खिलाड़ी नेहा कुमारी वर्मा, और इसी के साथ ले ली है टाइटल ट्रैक ने एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच की धांसू कमेंट्री। वैसे यहाँ पर रमाशंकर जी बड़ी आसानी से अपनी उम्र और पावर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनकी स्वर्गवासी धर्मपत्नी मिसेस वर्मा ने स्वर्ग जाने से पहले उन्हें कसम दी थी कि प्राणनाथ अपनी पेटी पर कभी हुकुम मत चलाना, और आज इसी कसम की रसम का नतीजा देखेगा ये जमाना। भाई एक ग्लास पानी लाना। मामले को ठंडा करने के लिए फ्रीजर खोल लिया गया है और निकाल लिए गए हैं ताश के पत्ते। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज बाप और बेटी के बीच तीन पत्ती का मुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ पहले राउंड की घंटी बज चुकी है। रमाशंकर जी अपने पत्ते खोलते हुए, देखना होगा दुखी पे दुखी होगी या सत्ते पे सत्ता। अरे ये क्या, इनके पास तो गुलाम ही है सबसे बड़ा पत्ता। चलिए कोई फर्क नहीं, अलबत्ता क्या नेहा कुमारी जी के पास होगा इससे बड़ा पत्ता? जी हाँ, उनके पास से निकली है एक बेगम। बहुत ही करीबी मामला था, पर पहला राउंड जीत गई है नेहा कुमारी, और इस बेगम के आने का गम रमाशंकर जी के चेहरे पर साफ झलकता हुआ। लेकिन अफसोस का कोई वक्त नहीं, क्योंकि दूसरे राउंड की घंटी बज चुकी है। बड़े वर्मा जी भगवान से जी तोड़ प्रार्थना करते हुए कि इतने में नेहा कुमारी ने अपने पत्ते खोल भी दिए और उनके पास से निकले हैं 2-10, काफी जबरदस्त। अब रमाशंकर जी अपने दिल पे हाथ रखकर पत्ते खोलते हुए, क्योंकि ये राउंड अगर वो हार गए तो आज के सारे बर्तन उनके हुए। पर ये क्या, वर्मा जी ने निकाल दिए हैं 2 गुलाम। हाय राम, अब स्कोर हो गया है 1-1, यानी कि 1-1। क्या बात है, मैच तो काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। पर बेचारी मिसेस वर्मा अपने घर को जुए का अड्डा बनते देख अपनी दी हुई कसम को कोस रही है। पर अब क्या फायदा, अब तो तीसरे राउंड की घंटी बज चुकी है। दोनों ही खिलाड़ियों की आंखों में एक दूसरे को हराने का भूत सवार, और इस आखिरी राउंड को रोमांचक बनाने के लिए नियम थोड़े बदल दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, अब आपके दिल भी नोरा फतेही की कमर की तरह डोलेंगे, क्योंकि अब दोनों ही खिलाड़ी एक एक करके पत्ते खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्मा जी का पहला पत्ता बादशाह, नेहा का भी पत्ता बादशाह, वर्मा जी की बेगम नेहा की भी बेगम। ओ सनम, मोहब्बत की कसम, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा ऐतिहासिक मैच आज तक किसी बाप बेटी के बीच नहीं खेला गया होगा। पूरा गेम बचा है बस तीसरे पत्ते का, और ये तीसरा पत्ता खुल ही रहा है, पर वर्मा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट पहले ही फैल चुकी है। उन्होंने बड़ी खुशी से अपना पत्ता पलट दिया है और उनके पास से निकला है गुलाम। ओ माय गॉड, बादशाह बेगम और गुलाम की जोड़ी, इसे हराना तो मुश्किल ही नहीं कठिन भी है। कुमारी नेहा पूरी तरह निराश, उनकी आंखों में हार का पानी लगभग उतर आया है, पर फिर भी बड़ी हिम्मत करके उन्होंने तीसरे पत्ते की तरफ हाथ बढ़ाया है। और पत्ता खोलते खोलते मोहतरमा ने अपनी आंखें कर ली है बंद, स्टेडियम में काफी सन्नाटा। और ये क्या, वर्मा जी के चेहरे की हंसी कह गई उन्हें टाटा, पूरी ऑडियंस में जोरदार खलबली। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नेहा कुमारी के पास से निकला है एक शानदार इक्का, और इसी के साथ उनकी जोड़ी बन गई है इक्का बादशाह और बेगम की। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में नेहा कुमारी की हो चुकी है शानदार जीत, और इस जीत का जश्न मनाते हुए ले रही है वो काफी सारी सेल्फीज। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, रमाशंकर जी के चेहरे की मुस्कान की चमकान वापस आती हुई, और ये रमाशंकर जी ने चुपचाप टेबल पर निकाल कर रख दिया है 100 का नोट। ओ माय गॉड, मैच की असली बाजी तो अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अब कुमारी नेहा के लिए दुविधाजनक परिस्थिति आ चुकी है। अपनी जीत का मजा लेते हुए पिताजी से बर्तन धुलवाएं या 100 रुपए का नोट उठाकर खुद बर्तन धोलें। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने जल्दी से 100 का नोट उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अपने पिताजी के लक्षण पाए हैं कुमारी नेहा ने। कहते हैं लालच बुरी बला है, पर लालच देना भी तो एक कला है, और हमारे आज के विजेता हैं रमाशंकर जी, जो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेटी को हुक्म देने से मना किया था, रिश्वत देने से नहीं। मिसेस वर्मा बेहद दुखी, और मैच समाप्ति की घोषणा। दोस्तों अगर आपको ये मुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थासू कमेंट्री के प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें।